In the last video, we discussed about the X-rays and how X-rays has been discovered. Later on, Moseley performed another experiment. He studied different wavelengths of X-rays produced by different metal anodes. 1913 में Moseley ने X-rays की different wavelengths को study किया, जो different metal anodes से produce की गई थी. Experiment में 38 different elements को as a metal anode use किया गया. वो elements aluminium से gold तक के थे. Moseley ने wavelength study करते हुए एक बात नोटिस की कि एक्सरेस की वेवलेंथ कम होती जा रही है जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास ज्यादा होता जा रहा है. ही सेड दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटॉन नंबर इन द न्यूक्लियस. सो Moseley लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. हियर V is frequency, Z is atomic number of the element, where A and B are constant. That's all for today's lecture. See you in the next video. Take care. मकसद आपको Android phone पे install और login करने का तरीका. Play Store पे जाएं. मकसद app search करें. Install पे click करें. Install करने के बाद मकसद app खोलें. Account बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें. अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें. फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें. अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें. अपना ग्रुप सेलेक्ट करें. अपना बोर्ड सेलेक्ट करें. आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है.